आज हम लोग देख रहे हैं जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन क्यों होता है, और फैक्टोरियल में एन के जगह पे आप कोई नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसको चेक करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, एन प्लस वन फैक्टोरियल अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। यहाँ से एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाता है, ये चलाएगा बाय में, यानी एन प्लस वन फैक्टोरियल बाय एन प्लस वन। अब अगर हमको जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एन के जगह पे जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तीनों एन के जगह पे। तो ये हो गया जीरो फैक्टोरियल इक्वल जीरो प्लस वन यानी वन फैक्टोरियल, और जीरो प्लस वन यानी वन, यानी जीरो फैक्टोरियल इक्वल हो गया वन फैक्टोरियल बाय वन। वन फैक्टोरियल का वैल्यू जानते हैं ये वन होता है, तो वन बाय वन का वैल्यू क्या हो गया, वन। तो इस तरह से आपको मिल गया जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन। दूसरा, आप कोई नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते, तो अगर आप कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, जैसे माइनस वन पुट कर दें एन के जगह पे इसी फॉर्म में, तो ऊपर हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा जीरो। जीरो फैक्टोरियल होता है वन, तो वन बाय जीरो, वन बाय जीरो होता है अनडिफाइंड, यानी क्या हो गया, आप कोई भी नेगेटिव नंबर फैक्टोरियल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दो चीज़ देखती है कि एक जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू वन क्यों होता है, और नेगेटिव नंबर्स फैक्टोरियल में आप पुट नहीं कर सकते।